मेनोमैक्स फैमिली में एक नए मेंबर जुड़ रहे हैं आज, डॉक्टर जमील जो नेपाल से आए हैं। इनकी उम्र है 30 साल और स्पाइन की प्रॉब्लम यानी कि जो स्लिप डिस्क PIVD जिसको हम कहते हैं उस प्रॉब्लम से इनको तकलीफ है। राइट लेग में काफ़ी पेन है और वीकनेस भी है, चलने फिरने में परेशानी है। पहले भी एक सर्जरी हो चुकी है स्पाइन की L4-5 की, उसमें इनको फुट ड्रॉप हुआ था लेकिन सर्जरी के बाद और अच्छी फिजियोथेरेपी इन्होंने की है, काफ़ी मेहनत की है, उससे इनका फुट ड्रॉप रिकवर कर गया है। अब की बार इनको जो प्रॉब्लम है वो L5-S1 यानी कि एक लेवल नीचे है और उसकी वजह से परेशानी आ रही है। मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस है ओपन सर्जरी का, उस वक्त इन्फेक्शन भी हो गया सर। अच्छा, इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण से सर मेरे मेडिकल लाइफ सर ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सर एक मंथ लॉस हो गया। अच्छा, उस टाइम आप स्टूडेंट रहे? जी सर, फर्स्ट ईयर का मैं स्टूडेंट था सर उस वक्त, जिसके कारण से मैं सेकेंड टाइम ओपन में नहीं जाना चाहता। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कि हम क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें टिश्यूज में ज़्यादा कोई ट्रॉमा नहीं करते हैं तो इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं और पोस्ट ऑफ जो आप कंफर्ट अब की बात देखेंगे यू विल सी द डिफरेंस। 1 किलोमीटर बाद हल्का हल्का पेन होता है सर, नमनेस, टेमिंग सेंसेशन, रेडिकुलोपैथी सब कुछ होता है सर, बट मैं प्रोफेशनल डॉक्टर से काम करना है। डॉक्टर्स का काम काफ़ी मेहनत का होता है, हमसे बेहतर कौन जानता है। जी सर, काफ़ी क्योंकि पेशेंट को हमारी प्रेजेंस की, फिजिकल प्रेजेंस की बहुत ज़रूरत रहती है, पेशेंट का ध्यान रखना होता है, तो ऐसे में अगर हम खुद ही अनफिट हैं तो हम इतना सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि जो भी सफरिंग अब तक रही है देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे कुलीग हैं नेपाल से आए हैं और ये बिल्कुल ठीक होकर जाएँ और अपने पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखें, उनको सर्विस दें और खुद पेशेंट ना रहें। थैंक यू सर। एनी कंसर्न, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? Sir, I just want to be a normal sir, back to my normal life sir. I do have a very big faith in you sir and your team sir. Thank you very much. And I literally believe sir, दिल्ली में यहाँ पे गार्ड भी रहते हैं। तो जब एक डॉक्टर आपको इस तरह से आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। When you ask me a study sir, any question sir, I was totally blind sir, total support in you sir, आप जो करते हैं sir. Thank you very much. Thank you. और जब इतना विश्वास करके पेशेंट आते हैं आपके डॉक्टर हैं तो रिजल्ट अच्छा ही आता है, क्योंकि एक इनहेरेंट चीज़ आपने भी देखा होगा जब आपका पेशेंट आपके ऊपर ऐसे कहता है सर आपने करना जो जी, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी जाती है पेशेंट की तरफ से और वो ठीक हो गया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा लैग करता है आपका ना? अच्छा, जितना लाइट शूज रहता है। ये नहीं कर पाते उसको दोबारा करें, लेफ्ट साइड। यस, और इसमें हाँ, मतलब जब आप राइट साइड से ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। आइए आइए, ये मेरा पैर होता है, ये भी टच होता है, ये भी टच होता है, जैसे कि इसी पे उतर जाते हैं, वो नहीं होता है। हाँ, इसी उतर गए ऐसे, ये अब सब ठीक, इसलिए ये भी टच होते हैं। डॉक्टर जमील का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट प्रोमिनेंट चीज़ है वो है काफ मसल्स। अगर आप दोनों की बल्क में देखें तो काफ़ी डिफरेंस है, लेफ्ट साइड में काफ़ी अच्छा टोन है मसल में और डायमीटर भी ज़्यादा है, लेकिन राइट साइड में मसल टोन भी नहीं है और वॉल्यूम भी कम है। टोज़ को ऊपर पुल करें, मेरे हाथ को नीचे पुश कीजिए। ऑल राइट, तो जो हम इनको अभी हील लिफ्ट करने के लिए कह रहे थे तो एक लेग पे इस पर लिफ्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज अब की बार जो इनको प्रॉब्लम है वो है S1 की यानी काफ मसल वीकनेस है। जो फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी वो L4-5 में थी, तो उसकी वजह से इनको फुट ड्रॉप हुआ था। तो फुट ड्रॉप तब होता है जब L5 रूट इन्वॉल्व होती है और जो हम
एडी को उठा के नहीं खड़े हो पाते, और ये जो पुश है चलते हुए, मेरे हाथ को पुश करें, ये जो पावर कम होती है, ये S1 रूट। तो अब की बार इनकी प्रॉब्लम है S1 रूट की, तो बिल्कुल क्लियर है। SLR करते हैं अराउंड 70, सो अराउंड 30 डिग्री के बाद इनको SLR पॉजिटिव है राइट साइड में, दोनों नी बैंड करें, नी जब देखते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, गुड, स्लाइटली यस, पेशेंट थोड़ा सा एंग्जियस है तो इसलिए थोड़ा सा जब एक्सेंचुएटेड है। अगर हम एंकल जब देखते हैं, आप कुछ नहीं करेंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, यस इट्स वेरी गुड। और अगर राइट साइड में देखते हैं, नो कॉन्ट्रैक्शन एट ऑल। फिर कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड, एंकल जर्क, आप नहीं करेंगे, यस वेरी गुड, एंकल जर्क ऑन लेफ्ट साइड और राइट में एब्सेंट है। ऑल राइट, तो जितने भी फीचर्स हैं हमारे L5 S1 के हैं तो और राइट साइड के हैं। जैसे ही कंप्रेशन कम होगा इनकी, आफ्टर फ्यू मंथ्स मसल पावर भी वापस आएगी, एंकल जर्क भी होपफुली वापस आएगा, इट माइट टेक फ्यू मंथ्स टू ईयर, और जो बल्क है ये भी ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी। तो पेशेंट का जो मेन कंसर्न है वो यही है, जब चलते हैं तो इस लेग, इस पैर से पुश ऑफ नहीं कर पाते, जब जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या तेज चलने की कोशिश करते हैं तो एक लंगड़ाहट आती है चाल में। तो वही हमारा पर्पज है कि दर्द ख़त्म हो जाए, जो इनको चलते ही होता है शियाटिका पेन, और ये जो वीकनेस है ये भी ठीक हो जाए। जमील की MRI है सर्जरी से पहले, इसकी जो इनकी जो पहली सर्जरी हुई थी वो L4-5 की हुई थी और उसमें प्रैक्टिकली फ्यूजन हो चुका है, लेकिन वहाँ स्पेस काफ़ी अच्छा है। अब जो सिम्टम्स हैं वो हैं L5-S1, ये लिखा है L5, ये S1 है, तो डिस्क को हम कहेंगे L5-S1। ये डिस्क पूरी बाहर आ गई है और जो रास्ता है ये बिल्कुल बंद हो गया, और प्रैक्टिकली अब हमें देखना है कि इनको राइट साइड में ही पेन क्यों है। ये है नॉर्मल डिस्क, जहाँ आप देखेंगे कि दोनों तरफ की जो कैनाल है वो बिल्कुल ओपन है और स्पाइनल कैनाल का डायमीटर भी काफ़ी अच्छा है। अब हम चलते हैं L5-S1 पर, तो इसमें आप देखेंगे कि तो ये डिस्क प्रोलैप्स है और जो राइट साइड की जो कैनाल है बिल्कुल ब्लॉक्ड है, लेफ्ट में अभी भी स्पेस है। तो दिस इज़ द रीज़न कि उनको राइट लेग में पेन हो रहा है और चलने फिरने में वीकनेस भी लग रही है। सर्जरी SLR लेफ्ट साइड में पहले भी अच्छी थी, इनको प्रॉब्लम थी राइट साइड में। सर्जरी से पहले जो SLR थी दैट वाज अराउंड 30, उसके बाद 45 हुआ था ऑन डे 1 एंड नाउ इट्स अराउंड 60। तो जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन कम होती जाएगी SLR बेटर होती जाएगी। मेजर रिलीफ आपको थाई पेन में हुआ? मेजर जो थाई पेन से पहले कहाँ पेन था, किस जगह पेन था? मेरा ये सर ग्लूटियल एंड ये वाला पेन सर, इट्स टोटली गॉन, टोटली गॉन। किस टाइम पे आप जो बता रहे थे मेरे को पेन कहाँ हुआ कल रात को, आपको बता रहे थे कुछ? उल्टी साइड से जहाँ हमने ऑपरेट किया वहाँ पेन, नीचे कोई पेन नहीं? ये हम दो इंसिजन देख रहे हैं जो मार्किंग हमने की है, ये है माइक्रोडिस्कैक्टमी जो L4-5 का डॉक्टर जमील का हुआ था पहले, कब हुआ था, कितने साल पहले? 2009 से, 2009 में। और ये है एंडोस्कोपिक डिस्कैक्टमी जो L5-S1 हमने किया है। तो आप साइज ऑफ इंसिजन देख सकते हैं और सिम्टम्स इनको राइट साइड में थे, लास्ट टाइम भी राइट साइड में सिम्टम थे। तो ये माइक्रो डिस्कैक्टमी बिल्कुल मिड लाइन में होता है, एंडोस्कोपिक डिस्कैक्टमी थोड़ा सा मिड लाइन से कुछ मिलीमीटर साइड में होता है। तो यू कैन सी इंसिजन ऑलमोस्ट हाफ है माइक्रो डिस्कैक्टमी का। सो डॉक्टर जमील इज रेडी टू गो बैक टू नेपाल, उनकी सर्जरी हो गई है, आज फर्स्ट फॉलोअप हुआ है एंड ही इज डूइंग वेल। कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने पहले भी सर्जरी कराई है स्पाइन की 2009 में और ये सेकंड सर्जरी है आपकी, तो कैसे रेट करते हैं आप एंडोस्कोपिक को अगेंस्ट माइक्रोस्कोपिक डिस्कस करें? सर एंडोस्कोपिक इज टोटली 100% सेटिस्फाई, मैं तो समझता हूँ सर
आई डोंट नो योर लैंग्वेज इज लाइक आफ्टर ओटी आपको तीन हफ्ता रिश करना है बट आई फील लाइक फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई कैन ज्वाइन द ड्यूटी सर आई टोटली फील नॉर्मल सर टोटली फील नॉर्मल सर ओपीडी में सर हम लोग बैठते हैं तो तकरीबन सर 50 to 70 कंटिन्यू देखना होता है उस वक्त सर होता है ना मतलब आंसू आने वाला हो जाता है इतना पेन होता था इन बिटवीन पेशेंट को इस पे बैठ के देखना होता था या फिर खड़ा होकर देखना बिल्कुल बट आफ्टर ओटी सर जब मैं बैठा आई वाज टोटली सर आई कांट इवन एक्सप्लेन सर एक्चुअली सेटिस्फेक्शन इज मोर बिकॉज डॉक्टर जमील हमारे प्रोफेशन से हैं और अपने एक कुलीग को ठीक करना मतलब ये हमें मौका कभी कभी मिलता है तो वी आर वेरी लकी दैट ए डॉक्टर फ्रॉम नेपाल हैज प्लेस्ड हिज ट्रस्ट इन अवर स्किल्स वी आर वेरी थैंकफुल दैट आई हैड अ ब्लाइंड ट्रस्ट मैं जाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा मेनी माय कलीग्स आर दे सेड लाइक ऑपरेशन करते हैं पेन के लिए नहीं कंप्रेशन के लिए यू माइट हैव पेन आफ्टर द ओटी उम्मीद है कि आप बिल्कुल पेन फ्री रहेंगे और इस दर्द को भूल जाएंगे ये कभी था ही नहीं यू आर नेवर ए पेशेंट सो यू आर ए कलीग एंड नाउ ए फ्रेंड And I wish you all the best. Thank you. And convey our wishes to your family. इनके friend जो खुद physiotherapist हैं वो भी साथ आए हैं. And it was we really appreciate कि आप specially साथ आए. And it must have been a great support for you. मेरा और इनका break time sir physiotherapy में बीता था. Patient देखते देखते 2 से 3 बजे जब totally pain हो जाता था डॉक्टर साहब कहाँ पे ठीक है चलो room में बैठो मैं आ गया. And he used to give me around like 30 to 1 hour, 30 minutes, 1 hour. बट स्टिल हमें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज धीरे धीरे शुरू करनी है बिकॉज पेन के साथ मसल लास्ट 2 to 3 weeks सर अब अल्टरनेट डे सर इंजेक्शन ट्रामाडोल 100 mg अच्छा लेकर के काम किया सर 24 आवर काम करता है ट्रामाडोल ट्रिगावलिन एंड रुबिजिन खा ही रहा था इन बिटवीन अल्ट्रासाइट कर रहा था आई वॉज लाइक मतलब पिल सपोर्टेड सर मतलब मेडिसिन खाना दर्द को बुलाना मेडिसिन खाना दर्द काम करते हैं तो आई थिंक जो लोग देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ कितनी टफ है कि अपने पेन को तो हम प्रायोरिटी दे ही नहीं सकते मॉर्निंग का 2 आवर राउंड है सर इवनिंग का 2 आवर राउंड है दिन भर ओपीडी टफ लाइफ मतलब वी कांट अफोर्ड टू बी पेशेंट्स तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं सेटिंग जो कि मतलब सर इतना बिजी होकर के आप बहुत अच्छे टाइम दे रहे हैं कोई भी पेशेंट हो आपसे अनसेटिस्फाई होकर जाए वी ऑलवेज ट्राई और उसमें सिर्फ मैं नहीं ये बाकी टीम बाकी लोग हैं ये सब लोग सनी सर तो मतलब स्टिल सर एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज माय कलीग ही वाज थिंकिंग लाइक ही इज अ सर्जन अच्छा मतलब मेरी टीम होगा ऑलराइट एंड इट वाज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कि आप दूसरे कंट्री से आए और आपको डॉक्टर हैं और आपने हमें मौका दिया सेवा करने का वी आर सो थैंकफुल टू यू And we were able to achieve whatever we wanted to. Yes. So, thank you so much. Thank you so much. And all the best. Thank you.